हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिस्क फेस बाय बैंक्स, कोई भी बैंक है उसको कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं ऑपरेशनल होने के बावजूद भी। जैसे कि कोई भी किसी भी धंधे को अगर चालू करता है, लेट से कोई ज्वेलरी की शॉप भी ओपन करता है, तो उसको रिस्क होता है कि घाटा ना हो जाए, सोने का दाम कम ना हो जाए, या फिर चोरी ना हो जाए। कोई दो नंबर का काम करता है तो उसको डर, ये उसका रिस्क रहता है कि पकड़ा ना जाए राजकुंद्रा। तो उसी तरह से बैंक्स जो होते हैं वो भी काम करते हैं, बट उनके ऊपर भी कई रिस्क होते हैं, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। तो मेजरली ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें रिस्क जो होते हैं बैंक के, तीन तरह के रिस्क होते हैं, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल। सो यहाँ से समझना चालू करते हैं। सबसे पहला होता है क्रेडिट रिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिफॉल्ट अगर कोई कर देता है तो क्रेडिट रिस्क आता है। अब इसको आप समझिए कि बैंक का मेन सोर्स ये रहता है कि जो डिपॉजिटर है वो बैंक में पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखेंगे, यहाँ पर वो 2.5-3% मैक्सिमम इतना देते हैं, FD पे 5-6% वहाँ लॉक हो जाता है। फिर बैंक किसी को भी लोन देती है, कोई भी एक एंटिटी है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो अब ये लोन दे दिया, यहां पर मान लीजिए ये जो था लोन लेने के बाद ये रीपे नहीं करता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि डिफॉल्ट, कि इसने लोन डिफॉल्ट कर दिया। और हमारे देश में तो आए दिन आपको पता है डिफॉल्ट होते रहते हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ठीक है, और ICICI का भी हुआ था घोटाला पहले। तो ये बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट हो जाते हैं जब लोग लोन रीपे नहीं करते हैं। तो यहां पर रिस्क आता है जिसको सबसे पहले हम बोलेंगे, पहला रिस्क है और जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क। मतलब मैंने क्रेडिट किसी को दिया, अपना पैसा किसी को दिया, उसने वापस ही वो नहीं किया, ठीक है। अब जो सेकंड आपका रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। अब इसको आप समझिए कि बैंक जो होता है, अब वो जो डिपॉजिटर का पैसा है, सिर्फ ये ही नहीं कि क्या कहते हैं वो यहां पर लोन देता है, कभी कभार होता है कि उसने खुद के या फिर अपने भी, जैसे अपनी खुद की सिक्योरिटीज हैं या फिर और कुछ उसने कहीं से कुछ चीजें खरीदी हुई है, परचेज की हुई है, लेट से इन्वेस्टमेंट जिनको बोलेंगे, एक बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ करी हुई है, मान लीजिए उसने कुछ स्टॉक खरीदा था या कहीं पे इन्वेस्ट किया था, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया था या कहीं भी इन्वेस्ट किया था, वो डिफॉल्ट हो गई या वो डाउन हो गया। मान लीजिए उसने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट डंप हो गई, वहां वो शेयर प्राइस बिल्कुल नीचे ला गया। तो ये मार्केट रिस्क कि बैंक ने सोचा तो था कि अपना पैसा मैं बढ़ाऊंगा मार्केट में खेल के, बट उल्टा उसको चूना लग गया। तो यहां पर ये सेकेंड रिस्क आ गया कि मार्केट में उसका पैसा फंस के कम हो सकता है। वहां भी फिर आखिरी में ये जो बेचारा एक इंसान है यही फंसता है हर एक कंडीशन में, या ये पैसे लेके उड़ गया तो इस डिपॉजिटर की लगेगी, यहां से इधर इन्हों की इन्वेस्टमेंट खराब हुई तो भी यहां पर इन्हीं की वॉट जो है वो लगने वाली है। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसी रिस्क या फिर एक इवेंट हो सकता है जो कि ना इससे रिलेटेड है ना इससे रिलेटेड, लेट से बाहर से कुछ हैकर्स ने वेबसाइट को या फिर अकाउंट्स को हैक कर दिया, क्रेडिट कार्ड्स और जो भी डिटेल्स हैं बैंक की वो हैक कर दी या अकाउंट्स में से पैसे निकाल दिए। अब ये जो कैटेगरी बनी वो बनी ऑपरेशनल रिस्क की, ऑपरेशन करते वक्त कि साइबर अटैक हो गया या फिर फिजिकल एसेट डैमेज। अभी आप देखेंगे जो रिसेंट में फ्लड्स आए हुए हैं महाराष्ट्र में, तो वहां पर जो भी बैंक होंगे, मान लीजिए वॉलेट में उनके पानी भर गया या फिर कहीं पे कुछ वो, क्योंकि उनका एरिया पूरा वहां पर आप देखेंगे पूरी बाढ़ आई हुई है, कंप्यूटर्स टूट गए, ये सब छोटे छोटे, कहीं अर्थक्वेक आ गया, पूरी की पूरी ब्रांच गिर गई बैंक की, तो ये सब फालतू के ऑपरेशनल रिस्क हैं जो कि एक
बैंक कोशिश तो करता है कि कम हो, बट ये इनके हाथ में इतना होता नहीं है कि ये कि कैसे इसको कम करे। अगर नेचुरल कोई इवेंट है तो उसको कोई कैसे ही कंट्रोल कर सकता है। और एक और टर्म आती है, मैं आपको ये सारे लिख देता हूं टर्म्स। सो जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल इवेंट, साइबर अटैक या कोई फिजिकल एसेट डैमेज हो गया नेचुरल रीजंस की वजह से हो सकता है। अब इंटरनल, इंटरनल में जैसे कि एम्प्लॉय डिफाल्केशन, बेसिकली ये होता है कि कोई एम्प्लॉय है, लेट से अगर एक एम्प्लॉय है और इसके पास जो, क्योंकि आपको पता है बैंक के एम्प्लॉय के पास बहुत सारे सारे कोड्स रहते हैं, बहुत सारे पावर्स रहते हैं, वो एक अकाउंट से कुछ भी पैसा उठा के दूसरे अकाउंट में डाल सकता है। किसी को लालच आ गया, 2-4 करोड़ इधर से उधर कर दिए, हालांकि वो पकड़ा तो जाएगा, पर अगर वो निकल गया बच के, पर इतना सब करके कांड अगर वो भाग गया तो भी तो रिस्क बनता है। तो इस तरह के रिस्क होते हैं जिनको बोलते हैं एम्प्लॉय अगर कुछ गड़बड़ी कर दे। और भी जैसे कि आपको पता होगा जो आईसीआईसीआई का केस हुआ था, उसमें जो मेन सीईओ ही थी उन्होंने ही सारा ये सब गड़बड़ की थी अपने ही पति की, जो केस स्टडी में कभी बाद में बताऊंगा, अपने ही पति की कंपनी को लोन देती गई, लोन देती गई, देती गई, और वो कभी भी उसने चुकाया नहीं प्रॉपर्ली। तो ये एम्प्लॉय के ऊपर है कि एम्प्लॉय ने कुछ जानबूझ के कुछ गड़बड़ की। बिजनेस का कभी इंटरप्शन हो गया, कोई बिजनेस चल रहा था एकदम से कहीं इंटरप्ट हो गया, आईटी में फेलियर हो गया, मान लीजिए कभी सर्वर डाउन है या कुछ है, ठीक है, सरकारी बैंकों में तो सर्वर कभी चलता ही नहीं है आपको पता है। और ह्यूमन एरर, कभी कभार ह्यूमन है जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनसे नेचुरली भी गलती हो जाती है। तो ये सब जो मेन रिस्क हैं आपको ये देखने रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल जो होती है, जिसको बैंकों को मेंटेन करना होता है, वो क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।